नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल से आज एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, उससे रिलेटेड ये खबर है। दरअसल दोस्तों, आइए खबर को समझते हैं पूरा विस्तार से कि खबर क्या है और उससे भारत पे क्या कल को कुछ असर पड़ सकता है, वो भी समझते हैं। दोस्तों, दरअसल इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। ये समझ लीजिए कि हिजबुल्ला और जो हमास, इवन यहाँ तक कि ईरान ने भी जो अटैक किए थे इसराइल के ऊपर, और ज़बरदस्त तरीके से 300-300 मिसाइल 1200-1200 अटैक करे एक साथ में, लेकिन आयरन डोम ने पूरी तरीके से इसराइल को बचा लिया था। ये एक बार नहीं किया आयरन डोम ने, ये उसने बहुत बार किया है। बहुत बार अपनी काबिलियत को साबित किया आयरन डोम ने कि वो ज़बरदस्त है। दोस्तों, अब उससे रिलेटेड खबर ये है कि उस आयरन डोम को हिजबुल्ला ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब वो डिस्ट्रॉय कैसे किया है? वो डिस्ट्रॉय ऐसे किया है कि ईरान का शाहिदी वो ड्रोन है, वो ड्रोन जाता है आयरन डोम के पास और उसने आयरन डोम को तबाह कर दिया, उड़ा दिया। ये एक ड्रोन से उसको तबाह कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया आयरन डोम को। उसकी हिजबुल्ला ने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें वो ड्रोन आयरन डोम के पास बिल्कुल जा रहा है। अब दोस्तों, ईरान ने उसकी मदद करी हिजबुल्ला की, हिजबुल्ला के पास ये पहुंच गया और वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। ये हो गई एक चीज़। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है, क्या आयरन डोम सच में उन्होंने मार गिराया है? इसमें अभी डाउट है। वीडियो ज़रूर बनाया है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इसराइल ऐसा करता रहता है कि वो आयरन डोम की डुप्लीकेट्स, यानी कि कुछ लोकल ऐसे मेटल का स्ट्रक्चर बना के अलग अलग जगह पर लगा देता है, जिससे उसके विरोधी उसको समझे आयरन डोम है और उस पर अटैक कर दें और वो अपने मिसाइल्स जो भी अटैक करेंगे ताकि उनकी संख्या उसके कम हो जाए, वो नष्ट हो जाए, किसी यूज के ना रहें। इसलिए इसराइल ऐसा करता रहता है। अब दोस्तों, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है रिपोर्ट्स में कि शायद ये जो आयरन डोम को उड़ाया है हिजबुल्ला ने, ये वही एक डुप्लीकेट बना कर रखा हुआ था और उसी को जाकर उड़ा दिया है। अगर दोस्तों ये बात है, तब तो आयरन डोम की कोई दिक्कत नहीं, वो काबिलियत अपनी उसकी वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर ये बात गलत है और सच में आयरन डोम को उड़ा दिया है हिजबुल्ला ने, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन की बात है इसराइल के लिए। ये भारत के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि भारत आयरन डोम को ख़रीदने के बारे में विचार कर रहा था, तो ये भारत को भी कहीं ना कहीं इससे झटका लगेगा। दोस्तों, ये समझ लीजिए कि हिजबुल्ला ने ये जो आयरन डोम को उड़ाया है, ये ड्रोन से उड़ाया और ड्रोन है ईरान का। ईरान तो दुश्मन है ही इसराइल का, वो तो चाहता है कि पूरी तरीके से इसराइल नष्ट हो जाए। तो इसराइल को परेशान करने के लिए ईरान अब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और ये ड्रोन ये हिजबुल्ला को वो देगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सारी चीज़ें वो हमास को भी दे, क्योंकि हमास कह तो दिया है इसराइल ने कि हमने ख़त्म कर दिया हमास को गाज़ा पट्टी से, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, अभी हमास ख़त्म नहीं हुआ है। और ये लोग सारी चीज़ें टेस्ट करते रहते हैं इसराइल को। दरअसल इसराइल अभी गाज़ा में व्यस्त है, उधर से हमास को लड़ाई में लगा हुआ है, इधर से नॉर्थ साइड में हिजबुल्ला ने कर दिया अटैक, अब इनकी मिलिट्री उधर डिप्लॉय हो जाएगी कुछ। तो दोस्तों, ये टेस्ट करते रहते हैं इसराइल को कि ये अपनी मिलिट्री कहाँ कहाँ ले जाएंगे। तो ये भी चीज़ें हैं। और आयरन डोम की जो मेन चीज़ है कि उसकी विश्वसनीयता अभी बची है या नहीं बची है, ये कुछ दिन के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि अभी हमको विश्वास ये रखना चाहिए कि इतना ईजी नहीं है आयरन डोम को मारना जितना हिजबुल्ला ने वीडियो बना के दिखा दिया है। हो सकता है कि वो डुप्लीकेट ही हो,
जिस पे उन्होंने अटैक किया है और वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अगर दोस्तों ये खबर सही है तो फिर इज़राइल के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली बात है और साथ ही दूसरे देशों के लिए भी टेंशन की बात है जो आयरन डोम को ख़रीदने की सोच रहे थे। दोस्तों अब इस पर अपडेटेड वीडियो आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।